प्रॉफिट पर काम करेंगे। 50% के प्रोडक्ट का सिलेक्शन का हमें अधिकार है। कंपनी में 40 प्रोडक्ट होंगे फर्स्ट फेज में, धीरे 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 प्रोडक्ट बढ़ेंगे। 40 में से 80% प्लस प्रोडक्ट में पेटेंटेड इंग्रेडिएंट मेंशन होगा, और ये पहली बार भारतीय कंपनी में ऐसा होने वाला है। तो एक बार मैं चाहती हूँ आप इसके लिए तालियां भी बजा सकते हैं। नाउ प्लान की पहली इनकम है जो कंपनी के प्लान को बहुत यूनिक बनाती है और बाजार से सबसे अलग बनाती है। अमूमन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं अगर बात करूं तो बहुत आसानी से अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को प्रेजेंट करना आसान होता है, क्योंकि वो हमारी हॉटलिस्ट है। तो भाई बहन दोस्त इनके सामने वो काम करे नहीं करे, बट एटलीस्ट प्रेजेंटेशन देने का अधिकार मिल जाता है आपको। अब अगर आपके प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, अगर आपके प्रोडक्ट पे रेट सही है, तो इजिली आप अपने लोगों को प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। तो एग्जांपल यहां पे लेती हूं मैं, यहां आप हो, आपने राम को ज्वाइन कराया, ज्वाइन भी नहीं, आपने अपने प्रोडक्ट बताए। जैसे हमारे पास एक यंग वन प्रोडक्ट है जो आपको यूथ जवान रखने में बहुत मदद करेगा। हमारा एक प्रोडक्ट है हेयर वन जो आपके हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ दोनों पर काम करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में नीड है, अब बहुत सारे लोगों को लंग्स का इश्यू है तो लंग्स वन, ब्रेन से रिलेटेड इश्यू है तो ब्रेन वन, हार्ट के रिलेटेड इश्यू है तो हार्ट वन, राइट, किडनी का इश्यू है तो किडनी वन, घुटनों का प्रॉब्लम है तो ऑर्थो वन, ऐसे मार्केट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है हमारे प्रोडक्ट के पास में। तो राम ने क्या करा, लगभग राम ने 10,000 रूपये के प्रोडक्ट को परचेज किया। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, कितने रूपये का प्रोडक्ट परचेज किया, 10,000। और राम हमारे यहाँ पर शुरू में स्टार्ट करेंगे एज अ प्रिफर्ड कस्टमर। क्या स्टार्ट करेंगे, एज अ प्रिफर्ड कस्टमर। तो बीइंग अ प्रिफर्ड कस्टमर इन्हें 10% का तो मिलेगा डिस्काउंट, क्या मिलेगा, और लगभग 1,000 रूपये का प्रोडक्ट मिलेगा इनकी पसंद का फ्री। ठीक है जी, समझ में आ गया। नाउ राम ने एज अ प्रिफर्ड कस्टमर बनके अच्छा किया कि नहीं? भाई प्रिफर्ड कस्टमर बनने से क्या मिलता है, 10% डिस्काउंट मिलता है, 1,000 रूपये का प्रोडक्ट गिफ्ट मिल जाता है, खुद के नाम का बिल मिलता है वो भी पक्का। क्लियर है जी? नाउ कंपनी ने ये बोला इस बीच का होलसेल प्राइस और रिटेल के प्राइस का एक गैप होगा। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या हो, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रीफर्ड कस्टमर ने अगर सामान लिया तो उसके सेल का अप्रोक्स जीएसटी काट के कितना परसेंट, रुपए के हिसाब से मैं बात करूं तो, हालांकि रिटेल प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 70, बट मैं रुपए पे लेकर आ रही हूँ तो रुपए का कितना हो जाएगा, 25%। तो 9,000 का 25% कितना हुआ, 2,250। मैं 2,200 लिख दूँ राउंड फिगर, यस। अब आप मुझे बताओ, ना आपने दूसरी लेग बनाई, ना आपने दूसरी लेग बनाई, ना आपने कोई लेवल अचीव किया कि ये लेवल ले लो या वो कर लो, और आपको सिर्फ एक जने को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट डिस्काउंट पे गिफ्ट दिलवाने के बाद में इतना मिलता, यानी लेने वाले का भी फायदा और दिलाने वाले का भी फायदा। यहाँ पे बोलते हैं दोनों तरफ विन विन सिचुएशन, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो ये प्रचार करेगा उसका फायदा अलग है। अभी सिर्फ फर्स्ट लेयर पे ही फायदा। अभी राम को ये प्रोडक्ट पसंद आया और राम ने अपने भाई भरत को ये प्रोडक्ट बताया, भाई प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है, मैंने यंग वन खाया, मेरे रिंकल्स जो है वो दूर हो गए, अभी मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ गया है, मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, भाई मैंने हेयर वन खाया, मेरे हेयर लॉस रुक गए, मेरे नए हेयर आने शुरू हो गए, ये प्रोडक्ट तो बड़ा कमाल का है। भरत ने सुना, भरत ने बोला क्या बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मुझे भी लाओ। मेरे काम कर, तू भी प्रेफर्ड कस्टमर बन जा, लगभग 10,000 रूपये का प्रोडक्ट तुझको 10% डिस्काउंट और 1,000 रूपये का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। उसने बोला ठीक है भैया दिला दो, प्रोडक्ट मुझे जरूरत है। तो इस कारण से, क्योंकि प्रिफर्ड कस्टमर किसका बना, और राम प्रिफर्ड कस्टमर किसके थे, आपके, आपके, तो भरत का 25% तो किसको मिल जाएगा, राम को, राम को, और लगभग 4% इसका, इसका 5% किसको मिलेगा, हमें, आपको। 9,000 का 5% कितना हुआ, 300। कैसा लगा, बढ़िया बढ़िया, यानी मेरे लाए हुए प्रिफर्ड कस्टमर भी किसी को कस्टमर बनाते हैं तो मुझे एक पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर भरत भी आगे प्रिफर्ड कस्टमर किसी को बनाते हैं
यहाँ भी कोई टीम नहीं चल रही है, ओनली सिर्फ प्रिफर्ड कस्टमर चल रहा है। 9000 वही अगेन इनको भी फायदा मिलेगा, 10000 का सामान 9000 में मिलेगा, 1000 का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। भरत को इसका 25%, राम को इसका 5% और आपको इसका 4% तीसरे लेवल से। और यहाँ पर अगेन भरत ने बनाया किसी को प्रीफर्ड कस्टमर और नेक्स्ट प्रीफर्ड कस्टमर इसने बनाया, तो इसको इसका 25%, इस भाई को इसका 5%, इस भाई को इसका 4% और आपको इसका 2%। ताली बज सकती है? ऐसे हम चार लेवल पे आपके समझिए 50% रिटेल प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट पर हम काम करके चार लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अभी 1% का दिखाया, और आप जानते हैं कि नीचे नीचे जाते 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 कस्टमर की लॉबी बढ़ती है, वो एक पे सीमित नहीं रहती। हर किसी के मित्र दोस्त बहुत सारे हैं, ऐसे मेरे भी लाइफ में बहुत रहा है कि मैंने एक्टिवा ली और फिर कई लोगों ने एक्टिवा ली, है ना, हमने कोई फोन लिया फिर कई लोगों को फोन दिलाया, हमारे खान भाई ने बहुत लोगों को फोन दिलाया, एक फोन इन्होंने ले लिया, ये कम से कम 10 फोन दिला चुके किसी, है ना। देयर इज नो प्रेफर्ड कस्टमर बेनिफिट। कोई खान भाई बेनिफिट हुआ आपको? नहीं हो, बस खा मखा, बट हमारे खान भाई भी खुश हो, क्या बात है, मेरे कहने पर लोग फोन ले रहे हैं, वाओ, है ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। भले हमें 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला हो, पर मेरे कहने पे किसी ने लिया और उसके बाद वो तारीफ कर दे, यार खान भाई तुमने जो फोन दिलाया था यार मजा आ गया, फोन है बहुत गजब, समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, और थोड़ा वाह वाह यार मैंने बड़ी बढ़िया चीज दिलाई लोगों को। सोचो इस काम के यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, पूरी दुनिया ये काम कर रही है फ्री फंड में, यहाँ पर इस काम से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लोगों के घुटने दर्द ठीक कराना अच्छी काम है बुरा काम है? अच्छा काम है। लोगों का शुगर कंट्रोल कराना अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम। लोगों को यंग करना अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम। लोगों के हेयर के लॉस, हेयर का ग्रोथ, ये सब हमने अगर हेल्प करा तो अच्छा काम, ये अच्छा काम है। किडनी ठीक हो गई किसी की तो अच्छा काम है, लंग्स किसी के अच्छे हो गए तो अच्छा काम है, हाँ या ना? बढ़िया काम है। तो बस वो बढ़िया काम करने से बहुत बड़ी इनकम बनाई जा सकती है। मैंने सिर्फ 1% पे सिलेक्ट किया है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। आप है यहाँ पे और मैं बोलती हूँ कि भाई इतनी बढ़िया चीज है तो यार कम से कम 100 लोगों को बताएंगे, कितने लोगों को? एक मिशन लेके चलेंगे, जिंदगी में हमेशा मिशन के साथ काम होता है यार, कम से कम 100 लोगों के घर में ना अच्छी सेहत पहुंचाएंगे हम, 100 प्रीफर्ड कस्टमर बनाएंगे, कितने प्रीफर्ड कस्टमर? 100 और वो लोग 10000 रूपये का सामान लेंगे, और ये गारंटी है जब सामान लेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा और अपने आप आगे कुछ लोगों को प्रीफर्ड कस्टमर बनाएंगे। नाउ मैंने क्या बोला था, पहले लेवल से कितना? 25, तो 9000 रूपये का उसको 10000 का सामान कितने का पड़ेगा? 9000 रूपये का 9000 का 25% लगाइए जरा, 2250 को मल्टीप्लाई कर दूं कितने से? 2250 और 00 बढ़ा दो, कितने रूपए आ गया? 2,50,000। कितने रूपए आ गए? अरे कितने आ गए, कोई मतलब नहीं है आपकी दूसरी में किसी में, एक के नीचे एक ना डालो, कोई मैच नहीं। हेलो, यस, बढ़िया है? यस, बढ़िया है। yes. चलो अब ये इस लेवल पे थोड़े रुकेगा, भैया मेरे प्रोडक्ट है रिजल्ट देंगे। 100 लोगों ने सिर्फ 10-10 को बताया, कितनों को बताया? 10-10। कितनों को बताया? 10-10। वेरी गुड, तो ये कितने हो गए? 1000 लोगों ने 9000 का सामान लिया, तो सेकंड लेवल से कितना आ रहा था? 5। कितना परसेंट लगाओ इसको जरा? 45,000। 4.5 लाख। ताली बजाओ, पहले लेवल से कितना आया था हमें? 2,25,000। अब दूसरे लेवल से कितना आया? 4.5 लाख। तीसरे लेवल पर जाते हैं, ये 10,000 होगा, इन्होंने भी सिर्फ 10-10 को बताया, ये कितना हो गया? 10,000। 9,000 का सामान यहाँ पे कितना करेंगे आप? कितना आ रहा था? 4%। निरूपे याद करो, 300 था, यस 300 था, इसको कितना करेंगे आप? ये 30 लाख। 30 लाख बढ़ाओ, 360 आएगा। मैं भाई जीएसटी काट दे रही हूँ ना, जीएसटी काट दे रही हूँ, कितना हो गया? 30 लाख। ये लोग भी आगे 10-10 को बताते हैं, तो कितना हो गए? 10,000 मल्टीप्लाई 9,000, उसका 2%, 180 आ रहा था, ये कितना हो जाएगा? 1.8 CR। जीरो बढ़ाओ भाई, 1.8 CR कितना? 1.8 CR करके दिखाओ, दो मुझे 1 लाख पे करोड़ों की इनकम, ताली बजाओ, ये आपके प्लाज्मा पॉसिबल है।
ये जो चौथे लेवल तक डाला है ना, ये इतना कमाल का डाला है, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये इतनी यूनिकनेस है, और अच्छी चीज लोग कॉपी करेंगे। ये भी कॉपी होगा दुकान में, तो ताली बजा दो, आपकी नेक्स्ट चीज कॉपी होने वाली है। Yes. Wish you all the best. Thank you so much. Difference.